पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो हम लोग आए अपने विषय पर चलते हैं। आज का जो विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारा एक जातक ऐसे हैं जो हमारे कार्यालय पर पहुंच गए थे और बोले कि मैं तो जानता हूं, लेकिन हमारे परिवार का कहना है कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है, आप ज़रा एक विस्तृत रूप से बता करके थोड़ा शिवलिंग के बारे में चर्चा करके और बता दें कि इसका अर्थ क्या होता है, हम इसे कैसे समझेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और चर्चा करते हैं। देखिए, शिवलिंग जो शंकर भगवान के प्रतीक माने गए हैं, शंकर भगवान की पूजा जो होती है वही शिवलिंग ज्योति जो है उनको कहा जाता है। इस पर विशेष प्रकाश हम लोग डालते हैं। शिवलिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही शक्तियों को प्रदर्शित करता है। शिवलिंग का अर्थ है सृजन ज्योति, यानी भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। सूर्य, आकाश, ब्रह्मांड तथा निरंकार महापुरुष का प्रतीक होने के कारण ही यह है ज्योतिर्लिंग, यानी व्यापक ब्रह्मलिंग, ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का स्वरूप जो है एक साथ माया, ब्रह्म, जीव, बुद्धि, मन, चित, अहंकार को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्पिंड शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही आकाश गंगा के समान ही है। यह लिंग शिवलिंग ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का एक प्रतीक है। ऐसा हमें शिवलिंग के बारे में यदि कोई पूछता है तो हमें बताना चाहिए। सीधे तौर पर समझे, सृजन ज्योति है, भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप ही शिवलिंग है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।